Hi guys, good morning. Welcome back to our new vlog. Last day on the street of Paris. अभी फिलहाल हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं. हम लोगों ने पैकिंग वैकिंग सब कर ली है. पैकिंग करके बैग्स बाहर निकाल दिए क्योंकि चेकआउट का टाइम हो चुका था और लगेज रिसेप्शन पे जमा करवा दिया. उनसे टैग ले लिया है. अब हमने बोला कि हम थोड़ा सा घूम के आ रहे हैं क्योंकि हमारी अभी 4 घंटे बाद ट्रेन है. तो ऑलमोस्ट 2 घंटा भी हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, आसपास थोड़ा बहुत घूमेंगे. हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला शॉपिंग वॉपिंग करने का किसी भी चीज़ का, जबकि इधर तो आके स्पेशली शॉपिंग वगैरह करनी चाहिए. बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला. अभी नहीं जा सकते. अभी चल सकते हैं ब्रेकफास्ट तो करें. बहुत तेज लग रही है. हम रात को भी 5 गाइस से खाए, में भूख लग रही बहुत तेज. अब होता है ना यहाँ पे वेज का ऑप्शन. रात को हम लोग लेट हो गए तो सिर्फ एक ही था. हाँ गाइस, रोड क्रॉस करना है, वहाँ पे लाल बत्ती जलेगी तब. सॉरी, हरी बत्ती होगी. यहाँ पे भी लोग खूब सिग्नल तोड़ते हैं, खूब वैसे घूमते हैं. मस्त माहौल अपने हिसाब से. बट हाँ, एक चीज है. बट लेकिन जो सबसे वॉक कर रहा था उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. और साइकिल वालों को सेकंड, कार वालों को सबसे लास्ट. नहीं हो सकते हो, चाहोगे तो भी नहीं होगे. भाई किसी को फिट होना है ना, पेरिस आ जाओ 8-10 दिन के लिए. तो दोस्तों, जो इसके लिए सरप्राइज था ना, वो मैंने गलती से इसको बता दिया कि अपन लोग कहाँ जा रहे हैं. हर बार ऐसे होता है, हमेशा सरप्राइज रखा ही नहीं जाता. और टिकट भी मैंने गलती से इसको फॉरवर्ड कर दी थी. सेफ्टी के लिए करता हूँ ना मैं, एक फोन से दूसरे फोन में कि एक फोन स्विच ऑफ हो जाए तो इसने देख लिया था वो. सो बट लेकिन आप लोगों के लिए सरप्राइज है. आपको मैं वहाँ पहुँच के बताऊंगा कि हम लोग कहाँ आ गए और आप भी बोलोगे कि यस, बहुत सही प्लान बनाया आप लोगों ने. तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं वैसे. और वैसे जगह तो लंच की है, लंच डिनर करने की है. लेकिन हम लोग इसको स्पेगेटी बहुत पसंद है. इधर एक ने खाई थी तो उसको अच्छी लगी, तो हम लोग यहीं पे करने आ गए. दोस्तों यहाँ के कप देखो, मैं अब जाके समझाऊँ. मैंने कहा मेरी उंगली क्यों नहीं आ रही. यहाँ पर ऐसे पकड़ के पीते हैं ये. सीरियसली? हाँ, देख इसमें उंगली नहीं जा सकती. देख, उंगली नहीं जा सकती. और मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ इसे बैलेंस बना के पी रहा हूँ यू करके. मेरी गई, तेरी गई. देखो कोकिंगा की पीरी सुबह सुबह बेवकूफ. क्या बोल रहा है? देखो दोस्तों, ऊपर से ये ऐसे चीज मिलता है यहाँ पर, ऐसे चीज डाल दो आप ऊपर से. और ये खा रही है इसका वही स्पैगेटी. हमने 2 दिन तो फ्राइज खाए, 2 दिन में एक टाइम पिज्जा भी खाया है, और बाकी कॉफी और क्रोसों तो चल ही रहा है. मस्त है. एक और मंगाना है? नहीं बस, अरे आ जा तू भी खा ले. दोस्तों हमें भी इटालियन रेस्टोरेंट में बना के स्पेगेटी, इतनी बढ़िया यार. ऐसी मेरे को ना मिली नहीं पाती इंडिया में. मैंने बहुत कोशिश करी, मतलब जयपुर में तो नहीं मिली मुझे. मैंने ना हमारे शेफ को भी बोला, सबको बोला, लेकिन ऐसे नहीं बना पाते भाई. गाइस पता है, सेफ खेलना है ना आपको. अगर आपको वेज रेस्टोरेंट नहीं समझ में आ रहे, इटालियन रेस्टोरेंट जाओ. पिज्जा पास्ता टोमेटो सॉस में मुझे थोड़ी चीज वाली स्पेगेटी दे दो. हाँ, ये दे दो, या वेजिटेरियन पास्ता दे दो, वेजिटेरियन पिज्जा दे दो, ये आपको ऑप्शन मिल जाएंगे. जिसमें चीज आती है और थोड़ा सा ये टोमेटो सॉस आता है वो ही ठीक है. वो अच्छा भी लगेगा आपको और आप खा भी लोगे. सच में. दोस्तों हम लोग ऐसे ही टहलने आए थे, देखो हमें क्या मिला. फ्रेश इंडियन कैंटीन. लेकिन अब तो हम लोग खा चुके. घर जाके चलो. हम लोग थोड़ा बहुत ऐसे टहल रहे हैं और हमने एक चीज देखी है, संडे है और आज ऑलमोस्ट सब कुछ बंद पड़ा है भाई. यहाँ पर 12 बज रही है लेकिन सब बंद पड़ा है भाई यहाँ. दोस्तों हम लोग अभी आ चुके हैं, क्या बोलेंगे, मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन है दोस्तों यहाँ का, पेरिस का. और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दूसरे देश के लिए. इधर से लिफ्ट से चलते ना. यहाँ से हमारी ट्रेन है 3.5 घंटे की. बताओ यहाँ पे 1 कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेन से जा सकते हैं. बढ़िया. सारी कंट्रीज में जा सकते हैं कि यहाँ की, यूरोप की ट्रेन से ही? सब ट्रेन. वैसे मैं आपको बताऊँ, मुझे पता नहीं था कि मेरा जो वीजा लगा है, मुझे लगा था सिर्फ पेरिस का लगा है, लेकिन पेरिस फ्रांस का लगा है, लेकिन और भी कहीं पे भी जा सकते हैं. मतलब शायद 28 से कुछ कितनी कंट्रीज में घूम सकता हूँ. तो यहाँ का तो ये एयरपोर्ट जैसा लग रहा है हमें. उधर स्टारबक्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे. चलो गाइस, यहाँ पे भी अपने रेलवे स्टेशन जैसी भीड़ लगती है भयंकर, बहुत ही ज्यादा. अपने वालों से भी ज्यादा लग रही है मुझे तो. यहाँ पे छोटे हैं इनके रेलवे स्टेशन भाई. यहाँ से बहुत सारी जगहों की ट्रेन होंगी जब इतनी भीड़ है. यहाँ से हमें पकड़नी है, ये तो नाम भी नहीं बोले जाते हैं दोस्तों. मैं बताऊँ भी कैसे कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ. मेन जगह का नाम बताऊँगा आपको ना, ट्रेन का नाम बता सकता मैं. यहाँ पे शताब्दी वताब्दी नहीं होती, अजीब से नाम है बहुत. दोस्तों हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और मैं आपको बता दूँ, ये बैग ढोने में हमारी हालत टाइट हो गई, स्पेशली इसकी.
दोस्तों जब तक हमारी जर्नी चालू है तब तक आप घर का व्लॉग एंजॉय करो। गाइस आज है डे टू और अभी चल रहा है पेंट हर जगह पे। उस वाले रूम में हो चुका है, यहाँ पे सब पन्नियों से ढक दिया, सब कुछ पन्नियों से। इतने तो सोच रहे इतनी बड़ी बड़ी पन्नियां आई कहाँ से इनके पास, इतनी बड़ी हमें तो नहीं मिलती ढूंढने में। इन्होंने सब पन्नियों से ढक के, कल रिपेयरिंग हुई थी, आज सब कुछ पेंट हो रहा है। और एक्चुअली में क्या, मैं भी सो रही थी, मतलब मैं एक घंटे पहले सो के उठी हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। और सूरज भैया वाला रूम पूरा पेंट हो गया ना डैडी, सूरज भैया वाला रूम नहीं हुआ तो फर्स्ट एक हाथ लगा है गाइस, अभी एक ही हाथ लगा है वो भी छत पे। कारी की सब्जी बनाई आज भैया ने, मैं को वेज कोफ्ता। कैसा बनी है? अच्छी बनी है ना। तो भाई क्यों अब खाऊंगी, बनाई अभी है खाना। और ये क्या है? खुद लेके सही बात बता देता। अरे भाई एक मिनट एक मिनट गाइस, कैमरा संभालना नहीं आता, दो मिनट भाई मतलब खुद लेकर आया हूं। आप तुम बता दे क्या है तेरे खाने के लिए, बिस्किट लेके आया है? क्या है ये, तो कचरे की थैली है यहाँ, तू पैक हो जाना इसमें। ठीक है अभी पैक होती है। गाइस डिस्पोजल का सामान आ गया इतना सारा। सही है यार। सही है क्या? सही है, हमारे घर में सबसे बड़ी जरूरत है ये। और ये दीदी की जरूरत, ये दीदी की जरूरत है, ये आया सबसे मेन तो 40 टिश्यू पेपर के पैकेट। ओ बाप रे, ये कितने दिन चलते हैं? ज्यादा 20 दिन? नहीं नहीं यार, एक महीना ज्यादा पागल। कुछ नहीं चलते पागल, रोज के 2-3 पैकेट खराब हो जाते हैं अपने यहाँ। अरे गाइस एक्चुअली में हमारे घर के अंदर कबूतर घुस चुका है, मैं दिखाती हूँ कहाँ है। अरे ये काम के चक्कर के अंदर गेट खुले रहेगा और कबूतर घुस गया। अबे ये डोरी में फंस रहा है, डोरी में फंस गया, अभी फंस गया था इस वाली में। अरे यार कट ना जाए इसका पैर। कबूतर देख देख क्या क्या सही हुआ इस घर में बता। चलना पता नहीं, आओ गाइस बताती हूँ अभी तक क्या क्या हो चुका है। एक तो गाइस सबसे पहले मेन गेट ही सही हो गया है। सबसे पहले तो हमें ना इस गेट में लोग को जाते थे खोलना। हाँ। इसमें लोग को जाते थे, ये हैंड टूटा हुआ था, ये सही करवाया है, ये सही हो गया है। ठीक है, फिर अंदर ये डोर क्लोजर खराब था, अब छोड़ दे इसको, अपने आप बंद हो जाएगा ये। फिर यहाँ ये लाइटें खराब थी, ये भी सही हो गई, ये भी खराब था इसको सही करवाया। हाँ, ये टूटा हुआ था, ये भी टूटा हुआ था इसको भी लगवाया है। और कहाँ चले सारी ड्रॉरे सही करवाई है? ड्रॉरे सब खराब थी, सोफे कवर सब धुलेंगे। और गए क्या अंकल देने? ड्राई क्लीन के लिए देने गए। अच्छा, और पहले गाइस यहाँ पे वो रेजबाल किस्सा वो करके रिपेयरिंग होके अब पेंट हो रहा है, पहला हाथ अब लग रहा है। ये पता है कलर मैच कर रहा था, दिख रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं? तो ये वाला कलर करवाया। अच्छा, कलर लगा के देखे अंकल, सूरज भैया वाले रूम पे कलर हो गया, हो भी गया। हाँ वाह यार, लग नहीं रहा ना क्या लग रहा है मेरे को, तो कलर हुआ है मेरे को लग नहीं रहा की कलर। हाँ ये देख, ये हो गया यहाँ पे, वो सही हो गया। हम सिटी जाके आ रहे हैं। जाए यार थोड़ा जल्दी आना, बस 2 घंटे में जाके आ रहे हैं, डब्बे चेंज करा के ला रही है आंटी, आप ध्यान रखना आना थोड़ा जल्दी। क्यों कहीं जाना है क्या? जाना है क्या? चलो ठीक है, ढक्कन लिया डिब्बा बोलो। और अगले ने हमें 2 डिब्बे एक्स्ट्रा दे दिए थे तो हम ये उनका वापस करने जा रहे हैं रिटर्न। बोलो आपको सब्जी कैसा लगा बता भाई? सही लगी, सही लगी, सही नहीं अच्छी लगी। तो आपने इतनी सी क्यों? अरे मैं हैवी सब्जी नहीं खाती भैया, नॉर्मल झोल वाली सब्जी खाती हूँ। हैवी सब्जी देखो मैं बताऊँ, झोल वाली बने। देखो मैं बताती हूँ, मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो तो है इन पे, सारी आदतें इनकी जैसी है, काम से काम मतलब रखना और कोई मतलब नहीं है। मतलब ये ग्रेवी वाली तो यार मेरे को भी कम पसंद है। होटल वाली जो ग्रेवी होती है ना, ये ग्रेवी बनाई है ना, ये ग्रेवी मेरे को पसंद नहीं है। इनको भी झोल पसंद है, झोल वाली। हाँ सादा नहीं, सब्जी में अच्छी बनी थी। गाइस हम दिव्यांशी को लेने जा रहे हैं, दिव्यांशी का भी फोन है, वैसे तो उसकी तबीयत खराब है पर हम जैसे उसने सुना कि हम मार्केट जा रहे हैं तो वो भी हमारे साथ चलना चाहती है, तो हम जा रहे हैं घर पे उसको लेने। आवाज से तो उसकी सॉरी लग रही है क्योंकि ऐसे बोल रही है दे दे मुझे लेने आ जाओ, दे दे मुझे लेने आ जाओ, ऐसे बोल रही है वो। तो अभी देखते हैं गाइस, दिव्यांशी आ चुकी है। आजा भाई इतनी देर से खड़े हैं। दिव्यांशी मैं आधी घंटा हो गया खड़े, आधा घंटा आपको फोन करने में नहीं हुआ। प्लीज दिव्यांशी दिव्यांशी के दोस्त है सब, यस गाइस बाय, इनके साथ खेलती है, इनके साथ मैं पत्ते खेलती हूँ। गाइज ये ना ये दिव्यांशी आ जाइए, वो भी फ्लैट पे नहीं आई सफर के चक्कर में इतने दिनों से। हाँ दिव्यांशी ने बोला था कि दीदी आप टेंशन में, तो इस कमरे की सफाई अपन मिलके करेंगे, मिलके करेंगे। नहीं मिलके करेंगी तो सब कुछ हो गया ना, तेजी आए तेजी को आने देने, ना कालू भी आए, कोई नहीं आया। नहीं एक बात, मैं आई नहीं, तेरे को रोज बुलाता हूँ आई थी पहले दिन, फिर उसके बाद अपन
उसके अगले दिन बड़े दिव्यांशी पहले दिन तो कुछ हुआ ही नहीं था, कल नहीं आई थी, बाकी सब आई थी आई थी पर मेरे को दिखी नहीं फ्लैट पे, मुझे भी नहीं दिख पाई, कल नहीं आई थी यार भैया, बस झूठ मत बोल रहा अरे तो फ्लैट पे का भाई तू बता तूने क्या करवाया, दो दिन नहीं आई बाकी तो आई रोज माल में, अरे याद करो यार मैं आई थी दीदी उस दिन, तेज की भी क्लास लगाएंगे आएंगे तो दे शानो है वो जान कर को नहीं आ रहा, तबियत खराब थी मेरे, हाथ ला के देखो हाथ वो देखो दिव्यांशी वहाँ ज्वेलरी खरीद रही है उस शॉप पे, ये मीकू इस दुकान पे टोकरी भूल गई थी पागल, अब लेके आ रही है मीकू और आंटी आ चुकी हूँ गाइस यार लेके, ये भैया देख बीएमडब्ल्यू ले आए यहाँ पे गली में दिव्यांशी देखो वहाँ उस दुकान पे ज्वेलरी खरीद रही है भाई, वो देखो वो दुकान के अंदर पता नहीं क्या ले रही है इतनी देर से, नहीं पता नहीं कैसे पकड़ के बैठी है डब्बो भाई, एक बात है सूरज ने और तन्नु ने जोरदार, हाँ यार पर पता अपन बोर नहीं हो रहे हैं तो अपन पक जाते भयंकर, अगर ये साफ सफाई का काम नहीं होता ना मैं तो कहीं बाहर चला जाता, मीकू घर चली जाती, हाँ मीकू को घर छोड़ के अपन तो पार, गाइस आज हम ये तप्पड़ लेने आए, हमारे जो नया घर बन रहा है ना, क्या बोलते पैर मैट मैट डोर मैट ऐसा हमने ले लिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ लिए, आठ गेट ही अपने वहाँ, इसमें बताए बचपन में जिस उस पे आते थे ना वो ठेले पे वो सोडा मिलता था 5 रुपए का, गाइस हम वो सोडा भी रहा है आज, ये रहा है भाई आंटी बहुत देर से सोड़ा सोड़ा मम्मी बहुत देर से सोडा सोडा कर रही थी, कौन कौन से पीने बता दो, मसाला सोडा लेमन फ्रूट बियर कोका कोला इतने सारे हैं, दिव्यांशी कौन सा पिएगी, सही बात है सही बात है, ये देखिए गाइस भानु भैया को देखो वहाँ पे जाके चार भंडार में खड़े हो गए हैं, ये लो आपका लेमन, अरे आ चुकी है दोनों पताशी खाने, आंटी को भी खिलाया एक पी लिए सोडा, मैं तो नहीं खाऊं, बेलपुरी ना ऐसी है अच्छी है, क्या है ये है मसाला सोडा ये है फ्रूट बियर, मेरे को बोला लेने को यार ऐसे मत क्या करो आप, एक तो अच्छी लग रही है तेरे को बियर, अच्छा अच्छा पी ले पी ले पी ले पी तू पी गाइस ये बियर पी रही है दिव्या, छोड़ बस बियर रह रहे यार सोडे की शॉप पे बियर पीने में सही है, पी के देखना एक बार ट्राई कर, अम्मी भी मुंह में पारे तो हेलो भाई आईतेस तू तो मार में खरी करी तने शर्म को नहीं आवे, दो दिन होगा हैं फ्लैट आ संभाले भी कोनी, देखो का आऊंगा तो काम कराना पड़ेगा तो एक बार और संभाल तो सही कर ले अंकल आंटी, ऐसे तो तू बोलता है मिकू तुम्हारे डोकरा डोकरी है, पेंटरों ने तो धोखा दे दिया आज, ले मिकू आज घर चली जा, अब तो कल भी तू आ गई थी रात को, अब चली जा कैसे होगी, अब यहाँ सोचूंगी तो मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है, इधर आओ देखो दिखाओ इधर आओ मेरा कमरा एकदम साफ है यार, पेंटर बोलते आज तीनों रूम कम्प्लीट कर देंगे हम, अब एक एक हाथ और करेंगे कल, एक एक हाथ ही किया, एक ही हाथ किया अभी तो उन्होंने, दोस्तों यहाँ पर इशू चल रहा है भयंकर, बहुत लंबी लाइन लग रही है, होटल्स इशू आ रहे हैं सबको, कुछ की बुकिंग्स नहीं हैं, ये भाई साहब काम ही नहीं कर पा रहे हैं, एक ही जने का चेक इन नहीं हो पा रहा है, भयंकर इशू, तो दोस्तों चेक इन कर लिया है, आपको रूम टूर देता हूँ, अंदर घुसेंगे अपन, चलो सबसे पहले चलते हैं बाथरूम के अंदर, ये रहा अपना वॉशरूम, और सामने लाइट लगा रखी है इन्होंने ताकि फ्रंट में मैं एकदम साफ आऊँ, ठीक है ये वॉशरूम, ये इन्होंने शैम्पू शावर जल दे रखा है, यहाँ बाथ टब दे रखा है, ये टॉवल्स, ओ गेट के पीछे है बैठने का, और यहाँ पर कोई धोने का नहीं है, इससे पोंछने का है बस, ठीक है गाइस, और ये क्या है, अच्छा हेयर ड्रायर, भाई ये कैसा हेयर ड्रायर है, कहाँ से हवा निकल रही है, हाँ दोस्तों हेयर ड्रायर है, ये लाइट बंद लाइट चालू, अबे पहले जितनी क्यों नहीं जल रही, अच्छा टाइम लगाती है, वो ट्यूबलाइट है भाई यहाँ पे टाइम लगाती है जलने में, चलो ठीक है पानी आ रहा है, हाँ आ रहा है ठीक है, और ये अपने कपड़े टांगने के लिए, ये अलमारी का उन्होंने गेट नहीं दिया है, यहाँ पर ये कॉफ़ी वॉफ़ी का सामान, यहाँ पर ये तिजोरी जो कि कभी यूज़ नहीं आती, ये छोटा सा फ्रिज, नीचे क्या है, नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे शूज वूज रख सकते हैं, ये एक है अपना मिरर, ये अपना बेसिक सा रूम जिसके साथ है सोफा, ये स्टडी टेबल, और यहाँ से व्यू आता है क्या बाहर का, रात हो गई है यार यहाँ पर, अरे खुलती कैसे ये पता ही नहीं,
दोस्तों खुल नहीं रही है, बाहर का व्यू मैं आपको इस सुबह दिखाऊंगा। सामने मेट्रो जा रही, सामने ट्रेन जा रही, यहाँ पर रोड पर ट्रेन चलती है भाई, ये कल दिखाऊंगा मैं आपको। ये तो ट्रेन व्रेन चलना, यहाँ अपना टीवी। ओ भाई साहब इनका तो टीवी बहुत ही पुराना है, ये यहाँ पर आगे पता नहीं किस लिए दे रखा है, ये क्या है। अभी हमारे को टेंशन है खाने की, हम लोग वहाँ से निकले, अभी यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग को बज गए हैं 9:30। ठीक है, अभी वो दूसरे वाले बैग में जो यशी के पास है उसके अंदर रखे हैं राजमा चावल जो हल्दीराम से हम लेकर आए थे, वही खाने पड़ेंगे या फिर उबर ईट्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आसपास सब कुछ बंद है। किचन यहाँ पे रात को 9:30 बंद हो जाती है, नीचे बहुत ज़्यादा टाइम लगे था रिसेप्शन पे। और आपको एक चीज़ बताओ, इतने बड़े होटल के अंदर हमने क्या ये होटल रखा है, या जस्ट सामने से हम लोग है ना अपनी ट्रेन वगैरह पकड़ लेंगे जहाँ पर भी हम लोग को जाना है, तो एकदम कन्वीनियंट हो गया। और ये पीछे की एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पर भी फटाक से चल जाएंगे, ज़्यादा कैब वैब का झंझट कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पर कैब बहुत ज़्यादा महंगी होती है। देख लो, अब जैसे मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ तो 2500 रुपये लग गए अपने रेलवे स्टेशन से अपने होटल तक, मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता था, 2500 रुपये लग गया, और एवरेज 2000-2500 इतने लगते ही लगते हैं आसपास कहीं पर भी जाओ। और हम लोग को जो लंबे लंबे टूर्स लेने हैं उसके लिए बेस्ट था कि ट्रेन से ट्रैवल करना है, यहाँ पे सब लोग उसी से ट्रैवल करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने चूज करा कि ये होटल सही है। होप सो सही हो, एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा होगा शायद यशी आ गई गेट के ऊपर। और फिलहाल कुछ खाते पीते हैं और हल्दीराम का खाना आपके सामने बनाते हैं कि भाई वो कैसा लगता है, क्या नहीं होता, पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ रिसेप्शन पे देखा थोड़ा बहुत, क्योंकि पता है इतना बड़ा होटल है और सिर्फ 2 जने संभालने वाले, और 9:30 बजे के बाद भाई यहाँ कोई सर्विस वर्विस नहीं होती। और एक और चीज़ आपको बताऊँ, जैसे अपने इंडिया के अंदर होता है ना कि क्या बोलते हैं कि बैग वैग लेने आते हैं, आपका लगेज ऊपर तक पहुँचाते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं होता भाई, कुछ सीन नहीं, क्लियर कट, खुद उठा के लेके जाओ सब कुछ। कुछ तो ही करने की कोशिश कर रहा है, हमारा खाने का पिटारा है, जो हम सोच रहे थे भाई पेरिस में तो काम ही नहीं आया, इसका क्यों लेकर आए अपन लोग, लेकिन स्विट्जरलैंड के लिए था। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्विट्जरलैंड, मतलब ये बिल्कुल भी वैसे नहीं था कि यार हम लोग वहाँ जाएंगे या कुछ भी करेंगे। मुझे मनन ने, आयुष भाई, इन्होंने बताया कि भाई तुम लोग और घूमने जा सकते हो, मैंने कहा जा सकते हो मतलब, मैं तो पेरिस जा रहा हूँ ना, उसके अलावा कहाँ जा सकता हूँ, बोले स्विट्जरलैंड, पता नहीं कौन कौन सी, हाँ काफी कंट्रीज में जा सकते हो, बहुत सारी कंट्रीज बताई, मैंने कहा सच में जा सकते हैं, ये वाला विचार लग गया हमारा, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं कौन सा विचार लगा कहाँ का लगा, उन्होंने जैसे बताया हम तो जाकर करके आ गए थे, मुझे नहीं बताते यहाँ का। फिर अब इतनी दूर आए थे तो हमने सोचा कि यार 3:30 घंटे की ट्रेन पकड़ी, हम लोग स्विट्जरलैंड के अंदर आ गए, तो फिर हमने सोचा कि स्विट्जरलैंड भी घूम लेते हैं, अब इतनी सुंदर जगह है, पता नहीं बाद में का प्लान बने नहीं बने, 2-3 दिन तो घूम सकते हैं ना बढ़िया। आज ऐसा सीन हुआ कि भाई आज पूरा टाइम हमारा वहाँ पेरिस में थोड़ा बहुत उठे, चेकआउट वगैरह करना, फिर आसपास घूम पाए, ज्यादा दूर जा नहीं सकते थे क्योंकि टेंशन थी कि भाई लोकेशन पे पहुंचना है, रेलवे स्टेशन पहुंचना है, वहां से टाइमली निकलना भी है, तो वो सीन। और फिर उसके बाद 4 घंटे हमारे को ट्रेन में लग गए, यहाँ आते आते पूरी रात हो ही चुकी है, तो ज्यादा हम लोग घूमने का फिरने का हमने सोचा था कि यहाँ पहुंच के घूमेंगे, हमें लगा था कि 8 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, लेकिन 10 बज गए चेक इन वैक इन सब करने के अंदर, तो यहाँ पर भी आसपास स्ट्रीट में नहीं घूम पाए, वरना यहाँ पर घूमते आपको कुछ दिखाते हैं। मैंने रास्ते में देखा था साइकिल स्टैंड, पहली बार मैंने ऐसे देखे जो कि सीधे खड़े हुए होते हैं सारी बिल्डिंग्स के बाद, रोड पर ट्रेन चल रही है यहाँ पर, कल सुबह उठेंगे तब जाके घूमना फिरना सब चलू, फिलहाल ये करते हैं क्योंकि हमें लग रही है भूख, और बेस्ट है उबर ईट्स करना पड़ेगा अगर ये ऑप्शन नहीं चलता, लेकिन ये लेकर आए तो उसको खाए तो सही, बाकी हमारे पास नमकीन बढ़िया है, मिक्स नमकीन है, मखाने हैं और कुकीज भी है। तो उसको पहले देख लेते हैं, और चीज बताऊं, ये पानी की बोतल है, मैं नीचे उनसे 2 पानी की बोतल लेने गया तो पता क्या बोलती, उसके लिए 2.75 मतलब ऑलमोस्ट 250-300 रुपए की एक पानी की बोतल है, ये दारू की बोतल जैसी लग रही है, ये इसी की गिरी ना कटलरी, हाँ कटलरी थी। अभी तो मैं क्या करता पता है, काट कर इसको और डाल दिया होता पानी के अंदर, निकाल के दोनों को मिक्स करके पाउच के पाउच ऐसे कैसे इसके अंदर डाल ली, केतली छोटी अपनी तो बहुत ज्यादा, अब भाई एक से एक टास्क आ रहे हैं। बाथटब के अंदर गर्म पानी भर देंगे, गर्म पानी उसके अंदर डाल देंगे हमारा खाना, बाथटब में क्या पानी गर्म, लो चलो इसको भरना केतली को भर, केतली देखें हम सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं, बिस्कुट नमकीन खा के सोएंगे यार। भाई यार अभी इन प्लगों से नहीं लड़ना मुझे यार, भाई कैसे प्लग है ये, ये कौन सी भूल भुलैया है भाई, ये तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, 3 सॉकेट वाले 3 प्लग है भाई ये। पानी ज्यादा भर दिया तूने यार, खाली करते हैं इसको, खाली करते हैं मेरे हिसाब से तो उसी पे रखना चाहिए, बाकी तेरी इच्छा है, प्लीज चले जा भाई, भूखे हैं हम तेरी कसम, बंद करती थी इडली भाई, पूरा डूब गया ना इसके अंदर, अब इसको रहने थोड़ी देर। ये 2 कोल्ड ड्रिंक, 2 पानी की बोतल, 2 ही चॉकलेट और 1 चिप्स लिया आया कि बाय चांस, हाँ बाय चांस हमारा ये फेल हो जाए एक्सपेरिमेंट तो हम ये खा लें। अब एक चीज देखो, हाँ आजा देखें, हो गए होंगे यार 5 मिनट तो, हाँ हो गए तो लूटते
सबकी प्राइस क्या सेम है? 350 की 20 रुपए की बोतल को 350 की, पानी की 20 रुपए की बोतल 350 की, पानी पियो कोल्ड ड्रिंक पियो सेम प्राइस है, चॉकलेट खाओ सेम प्राइस है, किटकैट 20 रुपए की 350 रुपए की, 5 रुपए की 350 रुपए की, चाय पियो बिस्किट खाओ। टेस्ट कर लिया जाए, टेस्टी तो नहीं है लेकिन काम चल जाएगा।